पारो ये कैरेक्टर एक बहुत ही हिस्टोरियन कैरेक्टर है, क्योंकि हिस्ट्री में इतिहास में इस कैरेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है जो बहुत से लोगों तक पहुंचा नहीं है, जो जिसका बहुत कम परसेंटेज आपको हिस्ट्री में देखने को मिलता है। लेकिन पारो ने जो कंट्रीब्यूशन किया है हमारी इंडिया के हेरिटेज एजेंडा को पूरे देश भर में पहुंचाने के लिए, वो उसका कुछ अंश हम आप सबको इस फिल्म के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। 200 साल पहले ब्रिटिशों ने जब पहली बार एजेंडा को एक्सप्लोर किया, और एजेंडा जब हमने जग को दिखाया, ऐसे ही उनका स्टेटमेंट है। और आप आज भी हिस्ट्री में देखते तो अंग्रेज कहते हैं कि हमने एजेंडा लोगों को बताया, बट सच कहानी यह है कि हमारी भारतीय ट्राइबल बस्ती की, हमारे महाराष्ट्र की, हमारे बंजारा समाज की जो लड़की थी पारो करके, उसने जिस तरह से ये चित्र बनाने में अपना जो खून है बहा के कलर बनाए, अपना जो स्किन है कातड़ी जिसको बोलते हैं उसको लेके उसने कैनवास बनाया और अपना जीव समर्पित कर दिया। तो ऐसी लड़की की कहानी लोगों को बताने की ज़रूरत है, और मैं चाहता हूँ 2012 से इतिहास में ये दर्ज किया जाए कि ये जो एजेंडा की कहानी थी, ये पारो ने जो भारतीय संस्कृति है उसने बनाई, और उसी माध्यम से ये फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म मैं जो नायिका है पारो का भाई हूँ, और मेरी मंशा रही है कि मैं मुखिया बनूँगा गांव का, और उसके लिए मैं अपनी बहन को दांव पर लगा देता हूँ। बाद बहुत दूर बहुत देर बाद उसका एहसास होता है कि मैंने गलती की है, और शोकांति का बन जाती व्यथा। सारे गाने पसंद हैं मेरे, ऑलमोस्ट सारे ही गाने मुझ पर फिल्माए गए हैं। शुरुआत के दो गाने छोड़े तो इसमें डांस है, रोमांस है, कुछ सैड सॉन्ग्स हैं, एक कंप्लीट मिक्सचर है हमारे ट्रेडिशन का।